मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर राक्षस आए कहाँ से? इटोपिया में एक बाइबल स्थित है और बता दे उसमें एक किताब है जो बुरी आत्माओं की उत्पत्ति की कहानी बताती है। मित्रों, एक बार गिरे हुए एंजल्स पृथ्वी पर भाग आए और वे मनुष्यों के साथ संभव किया जिससे विशाल दिग्गज पैदा हुए। मित्रों, ये दिग्गज असल में पृथ्वी पर घूमते थे और शुद्ध इच्छा से प्रेरित थे जिसे भी समय के साथ हिंसक और खतरनाक बनते चले गए, क्योंकि मित्रों वे ना तो मानव थे और ना ही ईश्वर द्वारा निर्मित, इसलिए उन विशाल दिग्गजों के लिए कोई स्वर्ग जैसी चीज नहीं था। मित्रों, जब वे सब नष्ट हो गए तो उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर बंध गए और इन आत्माओं को आजकल ना केवल लेजर जैसे नामों से जाना जाता है बल्कि वासना, क्रोध और चिंता से भी। मित्रों, हानि रहित प्रतीत होने के बावजूद उन आत्माओं के अंतिम लक्ष्य मानवता को उसके निर्माता से छीन कर मानवता को ईश्वर से दूर लाना है। मित्रों, बाइबल में कहा गया है कि यीशु के एक तिहाई महालयों में राक्षसों को बाहर निकालना शामिल है। मेरे मित्रों, यहाँ तक आए गए हो तो ऐसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे मित्रों, सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक सेकंड लगती है, लेकिन मेरे को ऐसी जानकारी वीडियोस को बनाने के लिए पूरे एक दिन। स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।